दीक्षा क्लिनिक में स्वागत है आपका। है मैं डॉक्टर अमरपाल राठौर। नए नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन घंटी अवश्य बजाएं। आपको नमन, आप सदैव निरोग रहे। आज आपको चूने के फायदे के बारे में बताएंगे। चूना जो पान में लगा के खाया जाता है उसकी एक डिब्बी लाकर घर में रखे। यह 70 प्रकार की बीमारियों को ठीक कर देता है। गेहूं के दाने के बराबर चूना गन्ने के रस में मिलाकर पिलाने से बहुत जल्दी पीलिया ठीक हो जाता है। चूना नपुंसकता की सबसे अच्छी दवा है। अगर किसी के शुक्राणु नहीं बनता, उसको अगर गन्ने के रस के साथ चूना पिलाया जाए तो साल डेढ़ साल में भरपूर शुक्राणु बनने लगेंगे। जिन माताओं के शरीर में अंडे नहीं बनते उन्हें भी इस चूने का सेवन करना चाहिए। शुगर, रोज सुबह खाली पेट एक गिलास पानी में एक छोटे चने के बराबर चूना मिलकर पीने से शुगर जड़ से खत्म हो जाती है। समय समय पर जांच करवाते रहे, वरना शुगर का लेवल माइनस भी हो सकता है। विद्यार्थियों के लिए चूना बहुत अच्छा है जो लंबाई बढ़ाता है। गेहूं के दाने के बराबर चूना रोज दही में मिला के खाना चाहिए। दही नहीं है तो दाल में मिला के या पानी में मिला के लिया जा सकता है। इससे लंबाई बने के साथ साथ स्मरण शक्ति भी बहुत अच्छी होती है। जिन बच्चों की बुद्धि कम है, ऐसे मतिमंद बच्चों के लिए सबसे अच्छी दवा है चूना। जो बच्चे बुद्धि से कम है, दिमाग देर में काम करता है, देर में सोचते हैं, हर चीज उनकी स्लो है, उन सभी बच्चे को चूना खिलाने से अच्छे हो जाएंगे। बहनों को अपने मासिक धर्म के समय अगर कुछ भी तकलीफ होती हो तो उसका सबसे अच्छी दवा है चूना। मेनोपॉज की सभी समस्याओं के लिए गेहूं के दाने के बराबर चूना हर दिन खाना, दाल में, लस्सी में, नहीं तो पानी में घोल के पीना चाहिए। इससे ऑस्टियोपोरोसिस होने की संभावना भी नहीं रहती। जब कोई माँ गर्भावस्था में है तो चूना रोज खाना चाहिए, क्योंकि गर्भवती माँ को सबसे ज्यादा कैल्शियम की जरूरत होती है और चूना कैल्शियम का सबसे बड़ा भंडार है। गर्भवती माँ को चूना खिलाना चाहिए अनार के रस में। अनार का रस 1 कप और चूना गेहूं के दाने के बराबर ये मिला के रोज पिलाए 9 महीने तक लगातार दीजिए तो 4 फायदे होंगे। पहला फायदा होगा कि माँ को बच्चे के जन्म के समय कोई तकलीफ नहीं होगी और नॉर्मल डिलीवरी होगी। दूसरा, बच्चा जो पैदा होगा वो बहुत हृष्ट पुष्ट और तंदुरुस्त होगा। तीसरा फायदा, वो बच्चा जिंदगी में जल्दी बीमार नहीं पड़ता जिसकी माँ ने चूना खाया। और चौथा सबसे बड़ा लाभ है, वो बच्चा बहुत होशियार होता है, बहुत इंटेलिजेंट और ब्रिलियंट होता है, उसका IQ बहुत अच्छा होता है। चूना घुटने दर्द ठीक करता है, कमर का दर्द ठीक करता है, कंधे का दर्द ठीक करता है। एक खतरनाक बीमारी है स्पॉन्डिलाइटिस, वो चूने से ठीक होता है। कई बार हमारे रीढ़ की हड्डी में जो मनके होते हैं उसमें दूरी बढ़ जाती है, गैप आ जाता है, जिसे ये चूना ही ठीक करता है। रीढ़ की हड्डी की सब बीमारियां चूने से ठीक होती है। अगर हड्डी टूट जाए तो टूटी हुई हड्डी को जोड़ने की ताकत सबसे ज्यादा चूने में है। इसके लिए चूने का सेवन सुबह खाली पेट करें। अगर मुंह में ठंडा गर्म पानी लगता है तो चूना खाने से बिल्कुल ठीक हो जाता है। मुंह में अगर छाले हो गए हैं तो चूने का पानी पीने से तुरंत ठीक हो जाता है।